कमांड। अच्छा, मूव के अंदर आपने जैसे ही मूव कमांड किया है, तो मूव के अंदर आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप पॉइंट्स बता सकते हैं कि कहाँ से इसको पकड़ के मूव करना है। तो ड्राइंग के अंदर इन्होंने मिड कहा हुआ है पॉइंट, आपको मिड मिड पॉइंट, पॉइंट, तो मिड पॉइंट लोकेट करने के लिए आपको जैसे लाइन के अंदर आप लिखते हैं मिड, आपने यहाँ लिख देना है मिड, तो वो मिड को लोकेट करना शुरू कर देगा। मिड ऑफ व्हाट आपने यहाँ किया, इसको इस मिड, बॉक्स। हाँ इसका मिड पिक किया आपने, मेक देखो मिड पॉइंट लोकेट कर रहा है, मेक श्योर मिड पॉइंट स्नैप ऑन हो। सर यस यस, सर, मेरा नेट सही नहीं चल रहा, मैं वीडियो देख लूंगा। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स सर, ओके, ओके ओके। अच्छा अटेंडेंस तो नहीं लगाइएगा सर। अच्छा ओके ओके। अच्छा अब नाउ मिड पॉइंट, अब इसका आपने अगेन इसके भी मिड पॉइंट पे लोकेट करना है, तो इसका भी मिड पॉइंट लोकेट करने के लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा? मिड आपने लिखा, मिड ऑफ, मिड ऑफ ऑफ किसके मिड पे पिक करना है आप देख लें ड्राइंग के अंदर, कौन से बॉक्स के मिड पे प्लेस करना है आपको। यहाँ पे आपको जो मिड पॉइंट आ रहा है, जो क्या कहते हैं जिसकी हाइट नीचे वाला, बॉल है, हाँ बिल्कुल उसका, उसके मिड पे आपने प्लेस कर दिया, आपने इसको इसके मिड पे प्लेस कर दिया नाउ। अच्छा एक, अगर आपको इतने सारे ड्राइंग को विजुअल करने में मसला हो रहा हो ना, तो आप यहाँ पे आइसोमेट्रिक पे आगे, ये 2D वायर फ्रेम है, इसके अंदर आप इसको हिडन कर दें या वायर फ्रेम कर दें, सिर्फ 2D वायर फ्रेम ना करें, सिर्फ वायर फ्रेम करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा व्यू चेंज बिल्कुल प्रॉपरली वो मिलेगा, या आप शेडेड कर लें इसको, शेडेड करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट शेड हुआ हुआ नजर आएगा, प्रॉपर नजर आएंगे, तीन ऑब्जेक्ट बनेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि सिस्टम जो है वो, ये देख रहे हैं आपको मॉडल नजर आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट शेड हुए हैं। जी सर। अच्छा तो अगेन मैं इसको 2D वायर फ्रेम कर देता हूँ, और आप दूसरा ऑप्शन भी वो क्या कहते हैं अपने हिसाब से आप इसको रियलिस्टिक करके और सारे ऑप्शन देख सकते हैं। अच्छा अब अगेन, अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास हमें एक और बॉक्स क्रिएट करना है। नाउ ड्रॉ अनदर बॉक्स विद इट फर्स्ट कॉर्नर एट एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑफ पार्ट, हम इसको करेंगे। तो एक बॉक्स में क्रिएट करने जा रहा हूँ, अगेन एक बॉक्स क्रिएट किया, फर्स्ट कॉर्नर रैंडम पॉइंट, और इसका डेटा जो है मेरे पास वो है एट द रेट 36.25, एट द रेट 36.25, और देन मैं इसकी हाइट जो है मेरे पास, इसकी हाइट जो है मेरे पास, अच्छा आप लोगों को क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा। अच्छा तो इसकी हाइट जो है वो 25 है, इसकी हाइट मेरे पास है 25, मैंने किया 25 हाइट, और नाउ इसकी हाइट 25 करने के बाद नाउ अगेन मूव, नाउ अगेन यूज मूव कमांड प्लेस द सेपरेटेड बॉक्स इन द फॉलोइंग मिड पॉइंट ऑफ ऑल स्नैप, हम अगेन मूव की कमांड लिखेंगे, अगेन लिखा आपने मूव, और कौन से ऑब्जेक्ट को मूव करना है, इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, और किसके मिड से करना है, मिड आपने किया मिड, इसके मिड पॉइंट से अगेन देख लेंगे, इसके मिड पॉइंट से आपने लोकेट करना है, आपने इसके मिड पॉइंट से लोकेट किया, और कौन किसके मिड पॉइंट से आपको प्लेस करना है, मिड इसके मिड पॉइंट से प्लेस करना है। अच्छा मिड ये रहा, ये मिड लोकेट हो गया, आपने मिड पॉइंट पे प्रेस किया, प्लेस कर सर। यस रिजवान सर, अगर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में पाथ कवर करवाना है, तो फिर हम लोग ये इसको उस कमांड में कैसे लिखेंगे कि एट द रेट और वो एक्स वाई में ना, तो हम एक्स वाई कॉमा जेड, तीसरा भी अगर देना चाहते हैं तो अगर कोई ऐसा कवर पाथ कवर करना चाहे तो आप जैसे सॉलिड ले लें, बॉक्स ले लें, और फिर है ना अलग थोड़े डिफरेंट तरीके से फर्स्ट कॉर्नर तीसरा डायमेंशन भी एक साथ दे दें कॉमा डाल के, वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको भी देख लेंगे हम आगे जब फर्दर करेंगे, तो वो चीज भी आएगी कि जेड एक्सिस भी आप एक साथ प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप एक्स वाई कॉमा जेड, फिर कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, जिस तरह हम यूज कर रहे हैं उस तरह यूज नहीं करते सर। वो वाली तो हो जाएगी, जैसे कोऑर्डिनेट्स ना वो लिखते थे ना 0.0, वो तो हो जाएगा, हाँ। लेकिन वो एट द रेट वाली कमांड में वो थोड़ा मसला नहीं, तो एट द रेट कमांड करके, एट द रेट से बस ये होता है कि वो रेफरेंस पॉइंट चेंज करता है, बस नथिंग एल्स।
सर लेकिन जैसे वो एंगल 90 डिग्री में करें तो वो वाई एक्सिस की तरफ चले जाएगा, तो ऐसे जेड एक्सिस अच्छा, में कैसे करेंगे? अच्छा आप एंगल एंगल वाइज बॉक्स को, तो फिर ये बॉक्स की कमांड पे तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं एक हम आगे फर्दर चीजें इस तरह भी आप हम इस तरह भी चीजें पढ़ेंगे कि अगर कोई 3D सॉलिड आप लाइन की कमांड से बनाना चाहते हैं कि सिर्फ लाइन आप पहले 2D में ऑब्जेक्ट बनाएं और देन उसको 3D में एक्सट्रूड कर दें, जैसे 2D आपने सॉलिड बनाया 2D रेक्टेंगल बनाया एक आपने और उसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी कमांड होती है जो हम आगे लैब में पढ़ेंगे, ये एक्सट्रूड की कमांड है। एक्सट्रूड की कमांड क्या करता है कि 2D सॉलिड को 3D कर्व में एक्सट्रूड 3D कर्व में बना देता है, जैसे ये देख लो और नीचे 1 है आपके पास, यहाँ बताता भी है ये क्या, आप इसका वो देखें जरा, ये हेल्प खुलेगी अभी इसकी ओपन होगी, तो ये देखिए 1 बना हुआ है, इससे इसको इसको ये अपर 2 उसमें 3D में एक्सट्रूड कर रहा है, तो ये भी बहुत सारे हमारे पास फीचर्स होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इसको फर्दर आगे भी। ओके तो ओके, अब हमें अच्छा नाउ ऑब्जेक्ट इसने आपने सेंटर में मूव कर दिया, अगेन ड्रॉ अनदर बॉक्स विद फर्स्ट कॉर्नर एट एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कर्सर, हम उसको अगेन मूव करेंगे, अगेन हमें एक बॉक्स बनाना है, ये पूरी ड्रॉइंग बॉक्स से ही बनी हुई है, बस जो दूसरी जो कमांड्स हमें देखी है वो यूनियन एंड सब्ट्रैक्ट है, क्या फायदा होता है यूनियन और सब्ट्रैक्ट से। नाउ बॉक्स, मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स के कमांड लिखी, पॉइंट को रैंडम लिख लिया, उसको भी हम मूव करेंगे, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एट द रेट 50, 38 एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है, एट द रेट 58, 38 अगेन 50, 58 नहीं है 50, 38 और हाइट जो है वो मेरे पास 19 है, तो हाइट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 19, ये मैंने बॉक्स बना लिया अगेन, अब इसको मूव करना है अगेन, नाउ अगेन यूज मूव कमांड और अपर जो जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है बॉक्स की, मतलब वाई डायरेक्शन जिसकी सबसे ज्यादा है उसके मिड पे प्लेस करना है, मैंने अगेन मूव की कमांड ली, मूव ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसके मिड पॉइंट से मूवमेंट देख लेते हैं, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट मूवमेंट है, अगेन आपने यहाँ लिखा मिड मिड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और अगेन किसका मिड आपको लिखना है, मिड ऑफ दिस, आपने प्लेस कर दिया इसे, अच्छा ये प्लेस होने के बाद नाउ अगेन अब ड्राइंग के अंदर क्या करना है मुझे, नाउ अप्लाई यूनियन कमांड टू कंबाइन टू ऑब्जेक्ट एंड सब्ट्रैक्ट फॉर माइनस वन अनदर ऑब्जेक्ट। अच्छा अब हम एक्चुअल ड्राइंग को देखते हैं अपनी, उससे हमें पता चलेगा किस चीज को यूनियन करना है और किस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा ये हमें ये ड्राइंग चाहिए, तो अब देख रहे हो जो चीज हमें नहीं चाहिए ना रिमूव करनी है, जैसे ये पार्ट हमें इस बड़े, अब ये दो बॉक्स सब्ट्रैक्ट का मतलब ये लार्जर बॉक्स से स्मॉलर, तो ये दोनों बॉक्स आपस में बने हुए, तो मैं लार्जर बॉक्स में से स्मॉलर बॉक्स को माइनस कर दूंगा तो ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, बात समझ आ रही? अगर मैं लिखू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा मैंने, सब्ट्रैक्ट की कमांड, सब्ट्रैक्ट क्या होता है कि दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करना आपस में, आपने सब्ट्रैक्ट लिखा, आपने ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और इंटर प्रेस किया, क्या चीज सब्ट्रैक्ट की कमांड, अच्छा आपने यहाँ लिखा सब्ट्रैक्ट, अच्छा सॉरी डबल इंटर प्रेस हो गया मुझसे, सब्ट्रैक्ट आपने ये ऑब्जेक्ट किया, पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जिस जो बड़ा है, वरना क्या होगा आप पहले छोटे वाले को सेलेक्ट करेंगे ना तो वो आउटर बॉडी की, हाँ उससे माइनस हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है तो पहले लार्जर बॉक्स स्मॉलर बॉक्स को माइनस करना, तो मैंने इंटर प्रेस किया तो ये देख रहे हैं ये पार्ट गायब हो गया, एक मिनट सब्ट्रैक्ट कर दिया है इसको, एक मिनट हम इसको देख लेते हैं, हम इसको जरा शेड करके देख लेते हैं, अच्छा ये नहीं हुआ सब्ट्रैक्ट, एक मिनट नहीं हुआ सर, नहीं हुआ सब्ट्रैक्ट, एक मिनट तो देख लेते हैं क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेट मी लुक एट इट, सब्ट्रैक्ट आपने लिखा और इसे, अच्छा इसे मैं 2D वाई फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले तक के प्रॉपर ऑब्जेक्ट में बनाए, आपने यहाँ किया सब्ट्रैक्ट, आपने किया ये और इस ऑब्जेक्ट में से इस ऑब्जेक्ट को, अब हुआ
आपने पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इंटरप्रेस करना है, देन सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इंटरप्रेस करना है. क्लियर? सही सही है सर. आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और देन मामला समझ आया कि सबट्रैक्ट कैसे होता है. पहले आप आउटर पार्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर बॉक्स सेलेक्ट किया, फिर इनर बॉक्स. अगेन मैं सबट्रैक्ट की कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ. सबट्रैक्ट, अगेन मैं सबट्रैक्ट की कमांड रिकॉर्डिंग. अच्छा अगेन अब सबट्रैक्ट देखें, अगेन मैं सबट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ, कोई क्यूरी हो तो उसे इसके अंदर देख लें. अच्छा अब अगेन आपको सबट्रैक्ट करना है तो मैं ये सारे ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट कर लें, पहले कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हो ये ख्याल रखिएगा सबट्रैक्ट यूज करने से पहले. आपने सबट्रैक्ट की कमांड लिखी. अब अगर आप ड्रॉइंग को देखें, आपको जो डाउनवर्ड बॉक्स से जो आपने बनाया था सेकेंड, वो भी सबट्रैक्ट करना है. तो थर्ड आपने बॉक्स क्रिएट किया था तो जो उसको सबट्रैक्ट किस में से करवाना है आपको, आपको इसको सबट्रैक्ट करवाना है. आपको ये बॉक्स सेलेक्ट करना है पहले. ये बॉक्स आपने सेलेक्ट किया, इस बॉक्स में से आपने सिलेक्शन की, इंटरप्रेस किया और इस बॉक्स को जो ये बना हुआ इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो. जैसे आप सबट्रैक्ट करेंगे तो ये बॉक्स सबट्रैक्ट हो जाएगा. इसको देखने के लिए आप क्या करें, शेडेड करें तो आपको नजर आ जाएगा यहाँ से. अच्छा अब इनमें से क्या इशू आ रहा है, आपने उसमें से सिर्फ इसको सबट्रैक्ट किया था तो आधा सबट्रैक्ट हुआ, बाकी पार्ट सबट्रैक्ट नहीं हुआ. तो आप ये करें तो उन दोनों ऑब्जेक्ट में से इसको सबट्रैक्ट करवा दें तो ये प्रॉपरली सबट्रैक्ट हो जाएगा. तो आई होप यहाँ से सबट्रैक्ट. अच्छा अंडू कर देते हैं इसे. अगेन अंडू कर दिया मैंने तो ये अगेन पूरा बॉक्स मेरे पास रिपीट हो गया. अगर आप देखें तो ये कंप्लीट बॉक्स आ गया मेरे पास. अब मैं अगेन सबट्रैक्ट कर रहा हूँ. इसको आपने सबट्रैक्ट किया, इन दोनों बॉक्सेस में से सबट्रैक्ट करें, इसमें से भी और इसमें से भी. आपने इन दोनों में से इस बॉक्स को सबट्रैक्ट करना. तो देखिए अब ये कंप्लीट रिमूव हो गया. Yes, sir. Okay, तो दोनों बॉक्सेस में से सबट्रैक्ट कर दिया. नाउ अब क्या करना है हमें, अगेन हम अपनी ड्राइंग को तरफ देखते हैं. टू डी वायर फ्रेम. नाउ अब हमारे पास क्या कौन सा पार्ट रह गया ड्राइंग के अंदर, ये पार्ट भी बन गया, ये पार्ट शेप भी बन गया. ये एक मिडिल में बॉक्स था हमारे पास. उस मिडिल वाले, हाँ बिल्कुल, उस मिडिल वाले बॉक्स को हमें क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास फोर. चौथा है ये प्लस है, प्लस हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो ऑब्जेक्ट करने थे. ठीक है, तो यूनियन अभी हमने किसी पर अप्लाई नहीं किया, यूनियन अभी अप्लाई करेंगे, बाकी सब सबट्रैक्ट करेंगे. आप ये यहाँ पे देखें प्लस और माइनस बना हुआ है कि किसको प्लस करना है और किसको यूनियन करना है. ये वाले जो वन और टू हैं ऑब्जेक्ट, इनको आपस में यूनियन करना है, बाकी सब चीजों को आपस में सबट्रैक्ट करना है. वन टू करके लिखा हुआ भी है यहाँ पे, अगर आप मैनुअल को गौर से देखेंगे तो. हमारे पास मिडिल में एक बॉक्स बना हुआ था जो डाउनवर्ड है, उसको भी हम सबट्रैक्ट कर देते. सबसे पहले आप यूनियन कर दें जो उसने कहा हुआ है तो आपको आसानी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट बार बार सेलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे. आपने ये सेलेक्ट किया, ये करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट किया और इंटरप्रेस किया, इसमें से इसको इसको सबट्रैक्ट कर दिया. नाउ ये आपके पास ऑब्जेक्ट बन चुका है कम्प्लीटली. ऑलराइट, अच्छा इसको आप मूव करके इसके व्यूज देखना चाहते हैं. एक और मेथड है कि इसको आप सर्कुलर ऑर्बिट में देखना चाहते हैं. आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास एक, सॉरी राइट क्लिक नहीं करें, यहाँ से आ जाए, यहाँ पे आपके पास जो ऑर्बिट आता है, ऑर्बिट के ऊपर आप क्लिक करें. ये ऑर्बिट के ऊपर आप क्लिक करके इसे ऑर्बिटल मूव कर सकते हैं. जिस डायरेक्शन से आपको इसको देखना है आप इसको देख सकते हैं आराम अपने ऑब्जेक्ट से. क्लियर हुआ होगा काफी चीजें, मतलब यूनियन हमने अभी अप्लाई नहीं किया. आप सबसे पहले यूनियन अप्लाई करने से फायदा, ऐसे में आप सबट्रैक्ट जब करते हैं ना तो दो ऑब्जेक्ट को आपस में मर्ज भी कर देता है ऑटोमेटिक. अगर अच्छा ये कस्टम व्यू के अंदर आ गया क्योंकि मैंने ऑर्बिटल मूव किया था. अगेन मैं फ्रंट पे आता हूँ, ये फ्रंट व्यू है इसका. टू डी वायर फ्रेम में अगर देखें तो इसका फ्रंट व्यू आपको इस तरह नजर आ रहा है ड्राइंग का. और देन आपने एस सी आइसोमेट्रिक किया. अब आपको ये इस तरह शेप देखना है जिस तरह टू डी वायर फ्रेम में देखो, इसमें बहुत सारी लाइन वायर फ्रेम नजर आ रहे हैं. इसके अंदर आपको बहुत सारे वायर वो फ्रेम नजर नहीं आ रहे, तो आप इसको कॉन्सेप्चुअल, ये तो कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको रियलिस्टिक कर, रियलिस्टिक में नहीं वायर फ्रेम, सिर्फ वायर फ्रेम कर दें इसको. तो वायर फ्रेम से भी लाइन जो है इसको हम कर देते हैं हिडन. आप जैसे इसको हिडन करेंगे तो इस तरह का शेप जो
शेप है आपको प्रॉपरली नजर आना स्टार्ट हो जाएगा जिस तरह आपको मैनुअल में नजर आ रहा है. ऑल राइट. और एक क्लास होगी, कोई क्यूरी है तो प्लीज आप या मुझसे बाद में पूछ सकते हैं क्यूरी. अच्छा, यूनियन के हवाले से मैं बता रहा था कि आप जब पहला आप पहले यूनियन करेगा इसके अंदर, तो आपके लिए पता है क्या होगा, जब मैंने डाउनवर्ड बॉक्स के अंदर मुझे दो ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने पड़े थे, तो वो नहीं करना पड़ेगा आपको. आप जब पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट को यूनियन कर देंगे तो आपके पास डायरेक्टली इस तरह शेप आ जाएगा. फिर आपको जब डाउनवर्ड बॉक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, तो आपको इतनी इशू नहीं होगी, दो ऑब्जेक्ट कलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे एक ही दफा में. तो सर क्या करेंगे यूनियन में, दोबारा बताइएगा. यूनियन क्या करता है, ऐड कर देता है. तो दो जो डाउनवर्ड बॉक्स था ना, जब अगर मैं स्टार्ट में मैं एक जो स्टार्ट के जो दो बॉक्स बनाए थे उनको आपस में यूनियन करेंगे ना, तो वो दोनों बॉक्स आपस में यूनियन हो जाएंगे और उनके यूनियन होने से मतलब वो पहले ओरिजिनल वाली शेप आ जाएगी जो पहले थी, मतलब इस तरह की शेप आ जाएगी जिस तरह आपको यहाँ मैनुअल में गिवन है. और फिर फायदा ये होगा कि जब आप डाउनवर्ड बॉक्स जो आपके पास है, ये डाउनवर्ड बॉक्स जब सब्ट्रैक्ट कर रहा था मैं, जो बना हुआ यहाँ पे डाउनवर्ड साइड पे जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इस बॉक्स को आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़े थे अभी जो मैंने बताया आपको पहले. तो उसके लिए फिर आपको एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपने यूनियन कर लिया होगा. तो आई होप चीजें समझ आ गई होंगी. कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. ये ड्राइंग है, तो इस ड्राइंग को अगर अपने पास बनाइएगा अपने माइंड से. डायमेंशन आपके पास गिवन है, तो डायमेंशन अच्छा, इसकी जो एनोटेशन है वो मैंने आपको थोड़ी बहुत सिखाई दी है, लेकिन अगर कोई एनोटेशन में क्यूरी आए तो मैं एनोटेशन नेक्स्ट सेशन में आपको 3D सर इसकी ओरिजिनल. अच्छा ये yes, sir, आपको बनाना है. इसके अंदर आप डाउनवर्ड बॉक्स बनाएंगे, ठीक है. इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हैं और हाइट आपको गिवन है, हाइट 8 है. फिर ये दो बॉक्स बनाएंगे राइट और लेफ्ट पे, इसको इसके साथ यूनियन कर देंगे नीचे वाले के साथ. फिर सेंटर में एक और बनाएंगे छोटा सा, यस सर, और उसको माइनस कर देंगे बड़े वाले उसको. बिल्कुल, उसको सेंटर से सब सर ऊपर से एक वो बॉक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाएंगे वो जो नीचे. हाँ, सेंटर में है जो वो सब्ट्रैक्ट होगा. अच्छा, मतलब कि खुद से ऐड करवाना होगा एक बॉक्स और फिर सब्ट्रैक्ट. हाँ, बिल्कुल ऐसे इसको सेंटर में लाने के लिए ना आप ये भी कर सकते हैं कि एक लाइन यहाँ ड्रॉ की और उसको सेंटर में प्लेस कर दिया मिड पॉइंट में, एक लाइन इसी के ऊपर ड्रॉ की. या आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए तो डायरेक्टली जो कॉर्नर सेलेक्ट करें वो इसी पॉइंट का सेलेक्ट करें. एक लाइन ड्रॉ करिएगा इस बॉक्स के सेंटर से यहाँ तक और उसको ऑब्जेक्ट को उस लाइन के एंड पॉइंट पे मूव कर दीजिएगा जिस तरह हमने स्टार्ट में अभी उसको मूव किया था. जो चेयर वाली आपको जो प्रीवियस लाइफ की क्यूरी बताई थी उसके अंदर उसको देख लीजिए.